विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए प्रार्थना की कुछ पंक्तियां साथ मिलकर के दोहराते हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाज निज आन बान मर्यादा का निज आन बान मरी प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान जिस देश में हमने जन्म लिया जिस देश में बलिदान उसी पर हो जावे कुर्बान उसी पर। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जा। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब ऋषि ऋषिकाओं की जय। सब वीर वीरांगनाओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सर्वप्रथम मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव की व श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब भाई बहनों की ओर से प्रणाम करती हूँ। और मंच पर मेरे बाईं तरफ हमारे बहुत ही सरल प्रकृति के और अत्यंत कर्मठ और सेवानिष्ठ हमारे भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई भास्कर ओली जी, और पिछले एक दशक से भी ज़्यादा जिनको सेवा करते हो गया आदरणीय भाई प्रताप सिंह बछेड़ा जी, जो अल्मोड़ा से हमारे सह प्रांत प्रभारी हैं, पूरी निष्ठा के साथ सेवा दे रहे हैं अपनी। दोनों ही भाइयों का एक बार अभिनंदन है।
और इनके साथ ही हमारे जिन्होंने पहले शिविर का आयोजन करवाया था, आदरणीय भाई राजदीप महेश्वरी जी, जैसे बहन सीमा जी बता रही थी, और उनकी सहधर्मिणी आदरणीय बहन कमल महेश्वरी जी, तो इन दोनों का भी बहुत अभिनंदन है आज इस मंच के ऊपर। और मेरे दाहिनी तरफ आदरणीय बहन सीमा जी, जो पूरे उत्तराखंड में जो योग के मोती बिखरे पड़े हैं उनको चुग चुग के एक सूत्र में पिरो रही हैं, और पूरी कर्मठता से सीमा जी और उनके पतिदेव आदरणीय भाई हरीश जी, आज हरीश जी को लाई नहीं हुए, मुझे कमी महसूस हो रही है, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ ही मंच पे बैठे हैं बहन नीतू रावत जी, जो माननीय विधायक लेंसडोन जी की धर्मपत्नी हैं, और आदरणीय शशि प्रभा दीदी जी, विजय लक्ष्मी नेगी जी, पूर्व जिला प्रभारी, और गोदावरी देवी जी आजीवन सदस्य हैं, और पूर्व डीजीआई श्री बलराम सिंह नेगी जी आजीवन सदस्य हैं, श्री जयवीर सिंह रावत जी प्रतिनिधि यूथ फाउंडेशन, श्री राम कुमार क्षेत्री जी आप भी हमारे आजीवन सदस्य हैं। तो इन सभी भाई बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे यहाँ की कोटद्वार की जो समिति है, तो भाई विजय नोटियाल जी, ये भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं, भाई विजय जी का भी अभिनंदन है, और भाई महावीर सिंह जी विष्ट जी, आप किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, और हमारे जसोद सिंह जी किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं राज्य स्तर के, आपका भी अभिनंदन है, पूर्ण सिंह रावत जी कोषाध्यक्ष हैं, कोष में कितना है पता नहीं पर इनका अभिनंदन है, और ईश्वर दत्त जी महामंत्री हैं, आपका भी अभिनंदन है, कौत्स कुमार जी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कौत्स कुमार जी का भी अभिनंदन है। और बहनों में हमारी आदरणीय बहन लक्ष्मी जी सह प्रांत प्रभारी हैं, और कल इनका फेसबुक पे मैं देख रही थी, रास्ते में चादर बिछा के बहनों को खाना खिलाते खिलाते यहाँ लेके आई हैं, गाड़ी में भी खुद चला के लाई हैं, दो गाड़ियाँ लेके आई हैं वहाँ से। और आदरणीय बहन शोभा जी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं, और ये कोटद्वार में दूसरा तीसरा प्रोग्राम है मेरा, एक बार शिविर में आई और दो बार यहाँ इन्होंने मीटिंग रखी हैं, और अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया अब इन्होंने, भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भेजी जीवन में कि उस मोड़ के ऊपर आकर के जीवन बिल्कुल नीचे जा सकता था, डिप्रेशन में जा सकती थी ये, लेकिन इन्होंने वो नीचे वाला रास्ता नहीं चुन के ऊपर जाने वाला रास्ता चुना, योग वाला रास्ता चुना, तो इनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं। और बहुत ही कर्मठ बहन हैं, और हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं इनके लिए, तो इनका बहुत अभिनंदन है। और हमारी बहन कमला जी, आप भी बहुत निष्ठा से वहाँ बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं। बहन जानकी जी आज आ नहीं पाई हैं, दिल्ली में उनकी माता जी को थोड़ी तकलीफ थी, वो भी बहुत प्रामाणिकता से अपनी सेवा दे रही हैं। और हमारी बहन नमिता पंत जी, जिनको अभी योग में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रपति जी से, इनका जोरदार अभिनंदन है। और बहन पुष्पा जी, पिछली बार बहन पुष्पा जी ने कार्यक्रम करवाया था वहाँ पर, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। और हमारी माता जी भी हैं और बड़ी बहन भी हैं धनी शाही जी, तो इनका भी जोरदार अभिनंदन है, हमारी आजीवन सदस्य भी हैं। तो ये सभी बहनें राज्य स्तर पे बहुत अच्छी सेवा दे रही हैं, और इनके साथ राज्य के साथ साथ ही जिलों में देहरादून से बहन मुन्नी जी, हरिद्वार से बहन रत्नेश गौतम जी, और रुड़की से माता प्रेमवाला जी, माता जी कहाँ हैं, हाँ लगी रहती हैं, सबको नाकों चने चबाती हैं, भाइयों को भी और बहनों को भी, क्योंकि जो ज़्यादा काम करता है ना वो सबको खींच के रखता है।
और ऋषिकेश से बहन सुनीता खंडूरी जी, नैनीताल से बहन पुष्पा जी, और उत्तर से पुष्पा जी, ये उत्प्रेति जी, विमला प्रेति जी, और उत्तरकाशी से बहन सविता जी, चमोली से बहन बीरा जी, रुद्रप्रयाग विकास नगर से किरण गुप्ता जी, कोटद्वार से आशा जी, और डीडी हाट से नीमा पांती जी, टिहरी से सोना नेगी जी, पौड़ी से उमा गडियाल जी, ये खड़ी हो जाएंगी बहनें एक बार और खड़ी रहेंगी, और अल्मोड़ा से धनी शाही जी, पिथौरागढ़ से रीता कापड़ी जी, उधम सिंह नगर से जानकी ओली जी, और रानीखेत से बहन लीला संगीला जी, बागेश्वर से नीलम रावत जी, और गैरसन से मुन्नी बिष्ट जी, और चंपावत से कुसुम जी। तो इन सारी बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए, क्योंकि धरातल पे काम जिला प्रभारी करते हैं, राज्य वाले उनको उनसे करवाते हैं, वो भी बड़ा काम है निर्देश देना, लेकिन उसको जमीन पे उतारना अपने गुरु के आदेश को, ये जिला और तहसील प्रभारियों का कार्य होता है। और इन जिला प्रभारी बहनों के साथ साथ ही जो जिले से महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष बहनें आई हैं, वो भी एक बार खड़ी हो जाएंगी अपने स्थान पे। आप भी खड़े रहो, जिला प्रभारी भी, और जो तहसील प्रभारी हैं या संगठन मंत्री हैं या महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वे बहनें भी खड़ी हो जाएंगी। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी बहनों का। जो श्रद्धे स्वामी जी महाराज का मिशन है उसको धरती के पर ऊपर उतारने वाली ये सभी बहनें हैं, तो इनका हृदय से अभिनंदन है। बैठ जाइए। और आज के कार्यक्रम में शुरू में जो गणेश वंदना के रूप में भरतनाट्यम किया, वो बेटी को भी हमारा बहुत आशीर्वाद है, उनकी कला को भी। और उसके बाद जो योग का प्रदर्शन कर रही थी बहनें, यद्यपि वो दो दो बच्चों की माँ हैं, लेकिन वो योगासन इतने कठिन कठिन और इतने सुंदर कर रही थी जैसे किसी कॉम्पिटिशन में करते हैं। और उनको योग करते हुए देख करके मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हो रही थी और मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि ये महर्षि स्वामी दयानंद जी की कृपा है और उनके बाद उनके शिष्य परम पूज्य श्रद्धे स्वामी जी महाराज की कृपा है कि बहनें इस उम्र में भी इतना अच्छा योग का प्रदर्शन कर रही हैं। बहनों का इतना सम्मान जिन्होंने बढ़ाया, उन ऋषियों को भी बहुत बहुत प्रणाम है। और हरिद्वार से मेरे साथ हमारी पूज्या साध्वी देवव्रता जी और बहन अर्पिता जी, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी हैं, और बहन देवव्रता जी पांच प्रांतों की सेवा इनको दी है, तो उन पांच प्रांतों में जाकर ऐसे ही बहनों की सेवा कर रही हैं। और इन्होंने पूरा अपना जीवन गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में और राष्ट्र के चरणों में समर्पित किया है, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये पढ़ी लिखी बहनें हैं, एमए पास करके आई थी और यहाँ आकर के फिर इन्होंने दर्शन, व्याकरण आदि पांचों दर्शन याद करके अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और बहुत प्रामाणिकता से और तपस्या करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे ही धरातल पर अध्यात्म को जीने की आवश्यकता है, और जो जीते हैं वो निश्चित रूप से एक दीपक बन करके दूसरों को प्रकाश देंगे। और वैसे इस हॉल में जितने भी भाई बहन बैठे हैं, कुछ का मैंने नाम लिया है, जिनकी लिस्ट मेरे पास थी, तो जिनका नाम लिया उनके नाम होठों पे आ गए हैं, और जिनका नाम बच गया है उनके नाम हृदय में है। तो हृदय से धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी एक विशेष आत्मा हैं, कोई भी यहाँ पर सामान्य आत्मा नहीं बैठी हुई है। इस हॉल में जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो नौजवान हैं या बीच की आयु के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वो एक विशेष आत्मा है जो इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम ये इसलिए है कि आज जो कलयुग चल रहा है उसकी तासीर कुछ ऐसी है कि अगर कोई फिल्मी एक्टर आए, कोई सेलिब्रिटी आए, तो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, पर कोई किसी साधु साध्वी के आने के
समाचार पा करके उनके आने पर आए, वो निश्चित रूप से महान आत्मा है। ये सरल नहीं है आज के, और ये इतना सुंदर पूरा हॉल भरा हुआ है आपकी उपस्थिति, इससे पता लगता है कि आप रोज योग से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। तो आज हम तीन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा पांच महायज्ञ गृहस्थियों के लिए महर्षि दयानंद ने और वेद ने बताए हैं, तो पांचों के ऊपर तो चर्चा नहीं हो पाएगी। उनमें से एक यज्ञ जो है सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, उस पे हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद कुछ संगठन के निर्देश आपको दिए जाएंगे, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे सुंदर बनाया जाए, और फिर लास्ट के 5-10 मिनट में आपके प्रश्न लेंगे, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो लेंगे। और आज हम आपके लिए, मेरे को पता लगा कि लगभग 120 बहनें जिनके पास कोई ना कोई दायित्व है, ऐसी बहनें आई हैं, तो मैं उसमें और एक्स्ट्रा 30, क्योंकि मुझे पता था कुछ भाई भी आएंगे मीटिंग में, तो हम 150 पुस्तकें ये लेके आए थे स्वाध्यायामृत। तो बहन सीमा जी कह रही थी कि हमने पीली साड़ी मंगवाई है बहनों के लिए। मैंने कहा आप साड़ी बांटती रहो, हम ज्ञान बांटते रहेंगे, हम पुस्तक लेके आए हैं आपके लिए। तो कुछ बहनों को मिल गई है, कुछ बच गई हैं उनको दोबारा दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो ये जो पुस्तक है ये स्वामी जी महाराज ने आप सबके उद्देश्य के लिए तैयार करवाई है। इसमें वेद के मंत्र हैं, फिर पांचों दर्शनों में, 6 दर्शन में क्या है वो इसमें है, 11 उपनिषद का निचोड़ क्या है, फिर चाणक्य नीति, विदुर नीति, रामायण, महाभारत, नवधा भक्ति, और हमारी रोज की जो दिनचर्या जिसमें मंत्र पाठ के साथ वो अनुष्ठान किए जाते हैं। तो एक तरह से पूरी वैदिक जो हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वैदिक साहित्य का पूरा मिक्सी में जूस बना के और इस पुस्तक में डाल के आपके लिए लेके आए हैं ये महाराज जी ने। बन इसको पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए आप पूरे वैदिक साहित्य से परिचित हो गए हैं। तो इसमें से पीछे से जिनके पास ये पुस्तक है वो तो खोल भी लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने चाहिए। उनमें से हर व्यक्ति अपने अपने जैसी उसकी उसकी शिक्षा है, जैसे उसको संस्कार मिले हैं, तो उनके अनुसार वो भगवान को याद करता है, कुछ दान पुण्य धर्म व्रत उपवास कुछ ना कुछ करता है, जैसे जिसके संस्कार हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि ऋषि क्या करते थे, कैसे ऋषि बने, वो क्या करते थे। तो वो सुबह शाम जिस तरह से भगवान को स्मरण करते थे उसको कहा है ब्रह्म यज्ञ, और दूसरा होता है अग्निहोत्र देव यज्ञ कहते हैं उसको, देव यज्ञ, और तीसरा होता है पितृ यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ मैं बताने वाली हूं आज पहला, दूसरा है यज्ञ हवन। तो हवन भी आज इस हॉल में जितने भाई बहन बैठे हैं, आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपने घरों में हवन करते होंगे, कुछ ऐसे हैं नहीं करते होंगे। तो जिनको संभव हो सके तो ये हमारी ऋषियों की वैदिक परंपरा है, 8 दिन में एक बार जरूर हवन करना चाहिए। आपको यदि मंत्र नहीं आते हैं तो आप गायत्री मंत्र बोल के, स्वाहा बोल करके, एक कटोरी घी लेकर के जरूर यज्ञ करें। आपके घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि संपन्नता शांति आध्यात्मिकता बच्चों का उत्कर्ष वो अपने आप होने लगेगा। तो आज आप ये व्रत लेकर के जाएं, और बाकी 7 दिन जब आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो घर में प्रतिदिन घी का दीपक जरूर जलाएं, सुबह जलाएं शाम जलाएं, कोई अखंड ज्योत जलाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह शाम जरूर जलाएं। सुबह शाम नहीं जला सकते हैं तो एक बार शाम को जरूर जलाएं। तो ये हो गया देव यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ का मतलब है अपने घर में जो भी अपने सास ससुर, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, या फिर हमारे गुरुजन, या फिर ऐसे लोग समाज में राष्ट्र में जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं और जो एक ऊंचा जीवन जी रहे हैं,
उन सब का सम्मान करना और वो जिस सेवा में लगे हैं उस सेवा में हाथ बटाना, ये पितृयज्ञ है। नहीं तो व्यक्तियों से भूल क्या होती है, जब माता पिता बड़े बुजुर्ग होते हैं तब तो हम उनकी बातें सुनते नहीं हैं, हमें लगता है कि ये हमेशा हमें टोकते रहते हैं, मनमाना व्यवहार नहीं करने देते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनकी फोटो लगा करके उस पर फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर वो हमारी सहायता कर नहीं सकते हैं। तो हम जीते जी उनके आशीर्वाद लें, बहुत बड़ी ताकत होती है दुआओं में, बहुत बड़ी शक्ति है बड़ों के आशीर्वाद में। तो हम उसको अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं कल वो ही आपके बच्चे भी करने वाले हैं। आज आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनका आज्ञा मानेंगे, उनके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो आपके बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कुछ भी, वो देख ही रहे हैं तो वो स्वतः ही करने लगेंगे। जैसे आज जो बहनें यहाँ पर योगासन कर रही थी, उन बहनों को अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि आप योग करो, उनको देख देख के बच्चे तो खुद ही करने लगते हैं। तो हमारा जीवन ही एक उपदेश होता है। तो ये तीसरा था पितृयज्ञ, और चौथा है बलि वैश्व देव यज्ञ। हम मनुष्यों के अलावा जो भी जाति हैं, कुत्ता बिल्ली गाय चींटी जितने भी प्राणी हैं, जिनके पास कोई किचन नहीं है, हाथ नहीं है बनाने के लिए, उनका कोई घर नहीं है, तो वो कहाँ से खाएंगे बेचारे। तो उनको भी रोजाना कुछ देना, चींटी को भी दाना देना, कुत्ते को भी देना, गाय को भी देना, बिल्ली को भी देना, ये हमारा कर्तव्य है, उसको बोलते हैं बलि वैश्व देव यज्ञ। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, उसको यज्ञ कहा हमारे ऋषियों ने। अतिथि मतलब कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आ गया, यद्यपि आज के युग में थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है, लेकिन तो भी हमें अपनी मर्यादाओं से तो नीचे नहीं गिरना है, कैसा भी युग क्यों ना आ जाए। तो जब अपने परिचित अपने रिश्तेदार घर में आते हैं, या उनके कोई परिचित आते हैं, या पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए व्यक्ति अपने घर में आते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए इनके रूप में आज भगवान ही हमारे घर में आए हैं, और जो कुछ हमारे पास है पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा में अर्पित करना, तो आपका यज्ञ हो गया। और वो जो आने वाले हैं वो आपके घर परिवार के बच्चों के जो पाप दोष त्रुटियां थी वो अपने साथ लेके जाते हैं, और उनके जीवन में जो पुण्य थे शुभ कर्म थे वो फल आपके घर में छोड़ के जाते हैं। तो ये अतिथि यज्ञ है, ऐसी दिनचर्या हमारे ऋषि जीते थे, इसलिए वो ऋषि बन पाए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बार बार बताते हैं, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देने से जीवन बड़ा बनता है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम वैल्यू नहीं देते हैं। बोले हाँ ये तो हमें पता है, कुछ और बताओ ना। पता तो है, करते तो नहीं हो। तो इसको हम आगे भी लेंगे, खैर इस विषय को। तो इन छोटी छोटी चीजों को, दिनचर्या कैसी होती थी उन ऋषियों की, कैसे वो ऋषि बने, और वो ऋषि बन गए और आगे कोई भी ऋषि नहीं बनेगा क्या। ब्रह्मा से लेकर सृष्टि में आदि ऋषि हैं ब्रह्मा, और उसके बाद जैमिनी और महर्षि दयानंद और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, और आज के वर्तमान युग में ऐसे ही और भी महापुरुष हैं जो देश में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज वर्तमान तक ये जो परंपरा चल के आई ऋषियों की, इसके आगे कोई ऋषि ऋषि का बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या लगता है आपको, बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे, तो वो कहां से बनेंगे, कोई और बनेंगे कि हमारे बीच में से ही बनेंगे? हमारे बीच में से ही बनेंगे। और कोई और बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो हमें यह संकल्प लेना है कि अब आगे की कड़ी में मुझे जुड़ना है, वो जो ऋषियों की एक चेन एक श्रृंखला बनी आ रही है, उस कड़ी में हम सब भाई बहनों को अनेक कड़ियां और जोड़नी हैं ऐसे, और कम से कम पतंजलि योगपीठ संस्थान से जुड़े हुए तो सब भाई बहनों को ऋषि ऋषिकाएं बनना ही है, और अपने घर में रहते हुए बनना है, और अपने घर में रह के सेवा करते हुए बनना है। तो
काम बन सकते हैं।